Welcome back to another video, guys. I hope you are all doing really good. Guys, car ke case pe update abhi ye hai ki abhi tak jaisi car main dhoond raha tha waisi mujhe koi second hand mili nahi hai, to ab lag raha hai ki nayi car hi leni padegi. To abhi main ja raha hu kuch cars dekhne ke liye. Abhi dekhta hu ek Honda Amaze ka plan kar raha hu, ek Maruti Suzuki Desire aur uske alawa Tata ki Tigor aur Nexon. Ye char cars hai jo mujhe check karni hai, jinki mujhe test drive leni hai. Aur abhi scene thoda sa change ho gaya hai. Pehle diesel lene ka tha plan, lekin ab main petrol lene ki soch raha hu. To hum log ab petrol automatic car le rahe hain. To abhi chalta hu, aapko bhi chal ke dikhata hu in tino cars, charon cars ki jis ki bhi test drive mil pati hai, aur fir dekhte hain, decide karte hain fir isme sabse best kaun si lagti hai. तो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ मारुति पे और यहाँ पे पार्किंग की इनके काफ़ी प्रॉब्लम है. होंडा और टाटा दोनों ऑपोजिट साइड है रोड के, तो वो मैं जाते टाइम दोनों पे होते हुए जाऊँगा. पहले सबसे पहले मैं इस रोड पे, क्योंकि मारुति एकदम एंड में है, तो मारुति पे आ गया मैं पहले. तो चल के अब देखते हैं मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर और उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. मैंने विमान नगर में पहले जो शोरूम है वहाँ पे कॉल किया, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कार नहीं है टेस्ट ड्राइव के लिए और पता नहीं कब तक आएगी. और यहाँ पे वाघोली में मैं आया तो इन लोगों ने कहा कि सर हमारे पास कार नहीं है टेस्ट ड्राइव के लिए. हमारा मेन शोरूम है पिंपरी में और वहाँ से कार मंगवानी पड़ती है यहाँ पर टेस्ट ड्राइव करने के लिए. ऐसे हाथों हाथ नहीं हो पाती टेस्ट ड्राइव. तो गाइस, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ऐसा अजीब सा जिसमें कार ही अवेलेबल नहीं है टेस्ट ड्राइव करने के लिए. तो कोई कस्टमर कैसे आके डिसाइड करेगा उसको कार इनसे लेनी भी है या नहीं लेनी है. तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ होंडा पे. अब देखते हैं वहाँ का भी यही सीन है क्या, होंडा और फिर टाटा. वहाँ पे जाकर के देखता हूँ कैसा सीन है वहाँ पे एग्जैक्टली. तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ होंडा पे. नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या सीन है. ऑल्दो इन्होंने पार्किंग स्पेस बहुत अच्छी बनी हुई है इनके यहाँ पे, इधर भी और उधर अंदर की तरफ भी. गाइस, इनके यहाँ पे भी कार अभी अवेलेबल नहीं थी टेस्ट ड्राइव के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कट रहा है बार बार दोनों जगह जा कर के. अभी ये लोग कह रहे हैं लेकिन कि हम आपको कार अवेलेबल करा देंगे विद इन लाइक एन आवर और सो, क्योंकि कार अभी टेस्ट ड्राइव के लिए गई हुई है हडपसर में. तो अब लास्ट जगह बची है टाटा, जहाँ पर जाके मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ. तो वहाँ चल के देखते हैं, होपफुली वहाँ नहीं कटे. ये अभी E2O वाले अंकल अपनी छोटी कार का फ़ायदा उठा करके मेरे आगे आ गए, नहीं तो मेरे साइड में चल रहे थे. लेकिन इतनी छोटी सी पतली सी इनकी कार है, ऐसे घुस गए एकदम से आकर के अंदर. अब पता नहीं किस बात का रश हो रखा है यहाँ पे. अभी ये देखो जगह जगह से निकाले जा रहे हैं अंकल, लगाए जा रहे हैं गाड़ी. बाय बाय. ये ट्रक वाला और अलग खड़ा हो गया अब सामने आके. देखते हैं जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे एक्चुअली डिवाइडर है और ये डिवाइडर के ऊपर से ही गाड़ी अपनी निकाल रहा है और सारा ट्रैफिक जाम कर रहा है. ये देखो और कार्स भी आ रही है डिवाइडर के ऊपर से चढ़ के. भाई क्या हो रहा है ये टोयोटा का शोरूम आ गया, यहाँ से कुछ भी नहीं लेना मुझे. टाटा आ गया फाइनली. मैं सोच रहा था कि कहीं निकल तो नहीं गया, मेरे को टेंशन होने लग गई थी एक बार. तो चलते हैं अंदर. जो सेकंड टॉप है, सेकंड टॉप में सीट एडजस्टेबल नहीं है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ आगे पीछे हो सकती है. टॉप वाले में टच स्क्रीन मिलेगा, इसमें मैनुअल छोटा स्क्रीन है अंदर. अच्छा ठीक है. इसमें आपको आर्मरेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा टॉप वाले में, जो इसमें नहीं है. इसमें नहीं है. पीछे एसी वेंट मिलेगा टॉप में, जो इसमें नहीं है. पीछे किस जगह होगा एसी? ये नीचे वाला यहां पे. ठीक है. दो एयरबैग तो है, एबीसी बीडी है, पावर विंडो से. ठीक है. और बाहर से मैं फीचर बोलती हूं आपको. यहाँ पे खाली है, इसमें टॉप में हो जाएगा. ये साइड में आर्मरेस्ट होगा, आर्मरेस्ट और ग्लास होल्डर आ जाएगा. ठीक है. आपको वाइपर वॉशर भी नहीं मिलेगा और कैमरा भी नहीं है जो टॉप में है. वाइपर वॉशर पीछे की साइड बैक रियर का. ठीक है. और बैक कैमरा भी नहीं है इसमें जो टॉप में रहेगा. और इसमें ये ऐसे कैप्स वाले व्हील है, उसमें अलॉय व्हील्स आते हैं. उसमें अलॉय व्हील्स आएंगे. ये जो एक्सेसरीज में एडिशनल लगा हुआ है क्रोम वाला जो है, 35,000 का ये लगा हुआ है एक्सेसरीज में. इसके लिए कह रहे हो आप? ये ये स्टैंडर्ड मॉडल्स में तो रहेंगे. नहीं स्टैंडर्ड मॉडल में है, ये नहीं है. ये नहीं है, ये लगा हुआ है एक्स्ट्रा. एडिशनल लगा है ये. अच्छा, सब एडिशनल लगाया हुआ है. हां हां हां, ये सब एडिशनल लगाया हुआ है.
अच्छा ये छोड़कर फिर गाड़ी जो एज इट इज ऐसी होगी वो जैसे बाहर से ठीक और टॉप मॉडल कौन सा ये वाली इसमें प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ये गाड़ी का जो कलर है मिरर का कलर है ये ड्यूअल टोन में आता है टॉप सिंगल टोन में भी मिल जाएगा अच्छा और ये जो है फुटरेस्ट टाइप का ये अलग से लगाना पड़ेगा इसमें ये आर्मरेस्ट है ठीक है सीट एडजस्टेबल है स्क्रीन है ठीक है डैशबोर्ड का कलर थोड़ा शाइनी वाला है ग्लॉसी यहां पर आर्मरेस्ट है ग्लास होल्डर नीचे पीछे एसी का दिया है नीचे की तरफ ठीक है ये ऑटोमेटिक का है देखिए सेम एज इट इज वो भी गाड़ी आपको मैनुअल में थी खाली गियर बॉक्स इसमें स्टीयरिंग एडजस्टेबल है क्या जी जी बिल्कुल दोनों में इसका एवरेज कितना है 24 क्लेम किया कंपनी का वो तो डीजल है शायद नहीं 24 क्लेम किया इसका डीजल का 27 है इसका 24 है मैनुअल में आपको 20 तक मिलता है ऑटोमेटिक में आपको 17-18 मिल जाएगा इसमें रिवर पार्किंग सेंसर है कैमरा है वाइपर वॉशर है दो एयरबैग एबीएस ईबीडी पावर विंडोज रूफ रेल है ऊपर तो सारा अड़ जाएगा ऊपर तो सीटिंग वगैरह तो सब ऐसी होगी सिर्फ ट्रांसमिशन का फर्क है राइट ये एवरेज सब सेम है खाली इसका अच्छा। दिया है सेडान का दिया है वो एसयूवी में है ये टॉप मॉडल है इसका ये टॉप है अच्छा नॉर्मल टिगोर में खाली फर्क क्या होगा आपका ऑटोमेटिक में ये ऑप्शन वाली गाड़ी है टिगोर में मैनुअल में इसे इसमें ऑप्शन में टच स्क्रीन है और रिवर्स कैमरा है एमटी में आपको कैमरा नहीं आएगा और ये रिवर्स ये नहीं आएगा टच स्क्रीन मैनुअल आएगा ठीक है तो गाइस ये थी टाटा की नेक्सॉन टाटा की टिगोर भी मैंने वहाँ पे देखी लेकिन वो मुझे बहुत कॉम्पैक्ट सेडान लग रही थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि यार ये कार आई वुड प्रेफर तो अब ऑप्शंस में है अमेज डिज़ायर और नेक्सॉन और आज मैंने ये सीखा कि अगर आपको कार की टेस्ट ड्राइव लेनी है तो आप उनको कॉल करके बोलो शोरूम पे दे विल ब्रिंग द कार टू योर होम दैट इज़ अ मच बेटर वे बजाय इसके कि आप शोरूम पे जाओ क्योंकि उनके पास शोरूम्स पे सारी कार्स अवेलेबल नहीं होती हैं विच इज़ काइंड ऑफ आई मीन विच काइंड ऑफ मेक सेंस कि उनके पास सारी कार्स अवेलेबल नहीं होती हैं लेकिन तो भी यार मतलब ऑटोमेटिक में उनके पास कार थी ही नहीं दिखाने के लिए एज एन लाइक कार डिस्प्ले पे थी लेकिन टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं थी सो दे सेड कि हम आपके पास कार भिजवा देंगे अमेज की डीजल की ऑटोमेटिक की मैं ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ लेकिन अब हमारा प्लान चेंज हो गया वी आर थिंकिंग अबाउट पेट्रोल नाउ तो मुझे पेट्रोल की टेस्ट ड्राइव लेनी है तो अमेज और डिज़ायर दोनों में वहाँ पे उन्होंने ये बोला शोरूम पे कि वो कार घर पे भेज देंगे अब देखते हैं कब भेजते हैं अभी तक तो दोनों जगह से कोई फ़ोन नहीं है मेरे पास टाटा पे जाकर के मैं टेस्ट ड्राइव ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ नेक्सॉन की और प्राइस भी लेके आ चुका हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्सॉन चलाने में काफ़ी अच्छी लगी अंदर बैठने में काफ़ी अच्छी थी पिकअप में थोड़ा सा फील होता है कि कार का जो ट्रांसमिशन है ऑल्दो ऑटो है लेकिन एक वो जो शिफ्ट गियर शिफ्ट वाली फीलिंग है वो थोड़ी सी आती है उसके अंदर और इसके अलावा जिस पर्टिकुलर कार की टेस्ट ड्राइव मैंने ली थी भाई उसका एसी बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहा था मुझे नहीं पता कि ओवरऑल नेक्सॉन के एसी में प्रॉब्लम है या उस पर्टिकुलर कार के एसी में प्रॉब्लम थी मैंने इतनी लंबी टेस्ट ड्राइव ली मेरी वाइफ ने भी टेस्ट ड्राइव ले ली लेकिन तब तक भी वो कार ठंडी नहीं हुई थी मेरी ये डिज़ायर जो इतनी पुरानी है ये इतनी देर वहाँ धूप में खड़ी हुई थी इसको मैं लेकर के अभी घर पर आया हूँ और ये कार ठंडी हो चुकी है मतलब उससे तो काफ़ी अच्छी ठंडी हो चुकी है तो एसी में बहुत प्रॉब्लम थी और अगर उस कार का एसी ऐसा ही है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो वो मुझे एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी ऑटोमेटिक कार्स के लिए आई कैन स्पीक बिकॉज मैं इससे पहले जब यूएस में था तो वहाँ पे मेरे पास RAV4 थी ऑटोमेटिक विच वॉज एन SUV ओवर देयर टोयोटा की थी RAV4 तो वहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक कार यूज़ की मेरे पास होंडा एकॉर्ड भी थी वो भी मैंने यूज़ की हुई है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ऑटोमेटिक कार्स तो उसका मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कार्स का चलाने का भी तो होंडा की अगर मैं बात करूँ या RAV4 की बात करूँ उन दोनों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी था और उन दोनों में ये चीज़ की फील नहीं आती थी जब आप कार को चलाते हो तो कार
जब गियर चेंज होते हैं तो उस चीज की फील जो है वो उन दोनों कार्स में नहीं आती थी, लेकिन इसमें नेक्सॉन में थोड़ी बहुत आ रही थी. डिजायर मुझे अभी भी चला के देखनी है. मैंने एक और कार जो पहले चला रखी जिसमें फीलिंग आती है वो है डस्टर. तो डस्टर भी इसलिए मेरी लिस्ट में नहीं है. डस्टर में भी ये प्रॉब्लम है कि जब आप कार का गियर शिफ्ट होते हैं उसमें तो आपको फील होता है गियर शिफ्ट होता हुआ. होंडा अमेज इज वन कार जिसमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब आपको इतना पता नहीं लगेगा शिफ्ट करते टाइम गियर्स का, मतलब जब कार के गियर शिफ्ट होते हैं. और क्योंकि वो CVT टेक्नोलॉजी के ऊपर है, विच इज लाइक अ कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जिसमें गियर कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, इसलिए भी उसके अंदर गियर चेंज का पता नहीं लगता है. तो देखते हैं अभी तीनों में से कौन सी कार सबसे बेस्ट लगती है और कौन सी कार समझ में आती है. तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक ही. होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो आप नीचे रेड कलर के बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आप मेरे आने वाले सारे वीडियो देख सको. तो गाइस चलता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में. बाय 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 बाय.